बस ड्राइवर की अणगहली के कारण एक भयानक सड़क हादसा वापरता है जिस दे विच हुण तक 5 लोग अपनी जान गवा चुके ने ते 35 तो वध लोग जख्मी दसे जा रहे ने। जी हाँ, फ्लाईओवर तो बस हेठां डिगदी है जिसके कारण यह भयानक सड़क हादसा वापरिया। वे भी गल्लां इस हादसे नूं लैके सामने आ रही ने कि बस ड्राइवर के हथों यह बस बेकाबू हुंदी है जिसके कारण यह भयानक सड़क हादसा वापरिया है जिस दे विच 35 तो वध लोग जख्मी दसे जा रहे ने ते 5 लोगों की हुण तक मौत हो चुकी है। तो मृतक लोगों के 4 जिहड़े ने ओह मेल्स दसे जा रहे ने ते एक औरत जिहड़ी है उसने अपनी जान गवाई है। हालांकि किसी भी बच्चे के मरण की खबर अजे तक इस हादसे दे विच सामने नहीं आई, पर हुण तक 35 तो वध लोग जख्मी दसे जा रहे ने जिन्हों का नेड़ले हस्पताल दे विच इलाज चल रहा है। तो तुहानूं दस दईए कि ओडिशा दे विच हादसा वापरदा है ते रात तकरीबन 9 बजे के करीब यह हादसा वापरिया जदों यह बस पूरी तो वैसट बंगाल जा रही थी। तो राह दे विच ही बस ड्राइवर की अणगहली के कारण यह हादसा वापरिया जिस दे विच 5 लोग अपनी जान गवा चुके हैं। उत्थे ही ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का भी बयान सामने आंदा है कि साडे वल्लों डॉक्टर दीआं टीमां नूं जिहड़ा उह इनफॉर्म कर दिता गया है, उन्होंने यह सारी जानकारी दे दी गई है ते उह हुण इलाज भी कर रहे हैं। तो तुहानूं दस दईए कि यह भयानक सड़क हादसा वापरदा है, फ्लाईओवर तो बस हेठां डिगदी है ते जिसके कारण 5 लोग जिहड़े उन्हां दी मौत हो चुकी है ते 35 तो वध लोग जख्मी दसे जा रहे हैं जिन्हां दा नेड़ले हस्पताल दे विच इलाज चल रहा है। ते मौके दीआं तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो किस तरीके दा माहौल बनिया होया है। बस जो है वो पुरी से वेस्ट बंगाल की तरफ जा रही थी, उस बस के साथ ही दुर्घटना घटी है। अनुमान किया जा रहा है कि बस में 42 से 43 यात्री थे, इसमें से करीब 35 लोगों को SCB कटक को रेफर किया जा चुका है। एंड अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें 5 लोगों की मृत्यु की घटना पता चला है, 2 लोगों का कंडीशन अभी वर्तमान स्टेबल है। इन दिस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट, 5 पीपल सकम्ड एंड दे ब्रॉट डेड टू दिस हॉस्पिटल धर्मशाला CAC and 38 injuries were transferred to from this place to AC Medical College Cuttack, and out of the 38, one is seriously injured